हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और जीके पोर्शन पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताऊं, फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर को मेमोराइज करके एग्जामिनेशन में जाओ और एग्जामिनेशन में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन पूछे भी जाएं, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको जेके एसएसबी का पैटर्न बताऊं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज अगर आप जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम लो, जीके पोर्शन ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में सेम है, इसलिए जो पैटर्न है ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो एग्जाम क्वालिफाई करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हूज बर्थडे वाज डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल प्राइड डे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहां पे इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा था और यहां पे कुछ और पूछा। देखो, ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है एंड ये नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। यहां से हमें क्या पता चला, जो भी चीज काफी ज्यादा न्यूज में रही है उसके रिलेटेड आपको एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, पहले तो ये फर्स्ट टाइम इसी साल से स्टार्ट हुआ एंड उसी दिन प्रधानमंत्री ने एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रांची में इनॉग्रेट किया। ओके, नाउ प्रीवियस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया, फिर नेक्स्ट पेपर में इसके रिलेटेड, यानी बिरसा मुंडा का उसी दिन बर्थडे था। ओके, एंड मे बी पॉसिबल आपके एग्जामिनेशन में यह पूछा जाए, इसलिए आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए जो भी चीज काफी ज्यादा न्यूज में रही है। ओके, सो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा लेक सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपर लेक। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ जैसा कि आपके सिलेबस में है इंडियन लेक्स, और आप ये सोचते होंगे इंडिया में इतने सारे लेक्स हैं, हम कितनों के नाम याद रखेंगे, फिर कौन सा लेक कौन सी स्टेट में है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखोगे, आपको यहां से एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इस लेक के जो फैक्ट है इनके बारे में देखेंगे तो हमें एक आइडिया आ जाएगा, ये लेक मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा फेमस लेक है। पहला फैक्ट अगर हम देखेंगे, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी सर्विंग अराउंड 40% ऑफ द रेजिडेंट्स। ये लेक सिचुएटेड है भोपाल में और भोपाल में अराउंड 40% रेजिडेंट को यहीं से पानी मिलता है, एक चीज। सेकेंड, दिस कॉन्स्टिट्यूट बोहज वेटलैंड विच इज नाउ रामसर साइट। रामसर साइट में भी ये इंक्लूड है, ये भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जिसको क्रिएट किया गया है राजा भोज ने इन 11th century। अब देखो, यहीं से आपको पता चला ये बहुत ही ज्यादा फेमस लेक है, इसलिए जितने भी स्टेट्स के फेमस लेक है उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज वैक्सीन। क्वेश्चन पूछा गया है, COVID-19 वैक्सीन को कहां पे इंजेक्ट किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस है उनके हिसाब से। तो जिस जिसने भी वैक्सीन लगाया होगा उसको पता है, यहां पे जो आपके बाजू है यहां पे लगाया जाता है और इनको क्या कहा जाता है, डेल्टॉइड मसल। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से आप सोच सकते हो COVID-19 के रिलेटेड बहुत ही डीप पूछा जाता है, बिकॉज आपके सिलेबस में कॉम्युनिकेबल डिजीज है तो ये टॉपिक तो बिल्कुल रहेगा, प्लस
ये न्यूज में भी रहता है तो करंट अफेयर्स में भी आएगा, और आपके जो सिलेबस में कॉम्युनिकेबल डिजीज है वहां से भी 110% आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है माउंट किलिमंजारो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है या फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, वहां से आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उन कॉन्टिनेंट्स में जो भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है या लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है या रिवर कोई बड़ा है या कोई भी चीज जो वहां पे फेमस है, डेजर्ट हो या कुछ भी हो, उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मेरठ बहुत सारी जगहों पे होता फिर थोड़े आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मेरठ एक ही जगह पे है, सो 10th मई एट मेरठ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द सिकमीज न्यू ईयर विच मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। देखो यहां पे आपको पूछा गया है सिकमीज न्यू ईयर, ये क्वेश्चन उठाया गया है कल्चर ऑफ इंडिया से। नाउ जो कल्चर ऑफ इंडिया है यहां पे भी अक्सर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं बिकॉज उनको ये काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे यहां से आपको एक आइडिया आएगा कि जो भी कल्चर फेमस है, किसी स्टेट का बहुत फेमस है या किसी कम्युनिटी का बहुत फेमस है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया, जो बहुत ज्यादा फेमस है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो सिकमीज न्यू ईयर है ये काफी ज्यादा फेमस है, सो क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन, यानी लोसोंग। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे मैंने जितने भी ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको यहां पे मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, आप यहां से देख सकते हो, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो पढ़ सकते हो, बिकॉज हो सकता है इन्हीं में से नेक्स्ट टाइम किसी और ईयर के बारे में पूछा जाए। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगती है इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए, प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेबल डिजीज अमंग दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया काज करते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉलरा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रीजंस डू द वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ओरिजिनेट। इनमें से कौन से रीजन से वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ओरिजिनेट होती हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिटेरियन रीजन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे आप मैप पे देख सकते हो ये है मेडिटेरियन सी, और इस तरह से जो विंड्स हैं ये इंडिया में आती हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस का जम्मू एंड कश्मीर के साथ कुछ रिलेशन है, ये जम्मू एंड कश्मीर में क्या करती हैं? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपके सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने किसको रिप्लेस किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब तक रहे थे? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तभी मैंने इनको बोल्ड किया है, अगर आपके सिलेबस में है तो आपने इनको भी डिटेल में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज रिलेटेड टू फेमस प्राइस। अगर आपके सिलेबस में
फेमस प्राइस है, तो आपको फिर डिटेल में करना है कौन सी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, कौन से फील्ड में दिया जाता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर जहांगीर विश टू बी बरीड एट डैश डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जो मुगल रूलर्स थे उनमें से जहांगीर को कश्मीर सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए उसकी जो लास्ट विश थी वो ये थी कि मुझे अनंतनाग में दफन किया जाए, और कहां पे? वैरीनाग में। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद डैश डैश। जो चैप्टर 5 है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ये किसके साथ डील करता है? नाउ यहां पे हम सबसे पहले ए ऑप्शन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। जो कॉन्स्टिट्यूशन है पंचायत अदालत, ये किस चैप्टर में है? चैप्टर 2। ओके, देन पावर्स एंड फंक्शन, ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 3। ओके, देन प्रॉपर्टी कौन से में है? 4th चैप्टर में। फिर हमारे पास जो चैप्टर 5 है उसमें है कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर रिवर जहलम फ्लोज इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। कौन से लेक में जाता है रिवर जहलम? वुल्लर लेक। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको फादर कहा जाता है पंचायती राज यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? वह है लॉर्ड रिपन। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हनी नाशरी टनल इज आल्सो नोन एज। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में भी पूछा गया था, सो इसका आंसर मैं नहीं करूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन काफी फेमस है। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट टनल्स है उनके बारे में यहां पे मैंने फुल डिटेल लिखी है। आज अगर इस टनल के बारे में पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट किसी और टनल के बारे में पूछा जाए, और इसमें कुछ टनल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियन हाथू गवर्न्ड राजौरी फ्रॉम 1846 टू डैश डैश एडी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वहां पे भी इसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन था, वहां पे धनीदार फोर्ट के बारे में था, बिकॉज जो धनीदार फोर्ट है वो भी मियन हाथू ने बनाया है, और ये जो मियन हाथू है ये डोगरा डायनेस्टी में राजौरी का फर्स्ट गवर्नर था। इसको महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था। जब महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी के ऊपर कब्जा किया तो सबसे पहला गवर्नर कौन था? मियन हाथू। ठीक है, और इसका जो गवर्निंग पीरियड था वो था 1846 टू 1856। ओके, और जो धनीदार फोर्ट है उसको कब कंप्लीट किया था? 1855 में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू J&K Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor of J&K must act on the recommendation of Advisory Committee within dash dash days. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 30 days. Okay, so here B option is the correct answer. Next question है, dash dash is the zoological name of red fox found in the Jammu and Kashmir. Red fox का zoological name क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वल्प्स वल्प्स। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, फिर मैंने सोचा क्या पता ये जो रेड फॉक्स है ये कुछ न्यूज में रही हो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया। फिर मुझे ये न्यूज मिली, ये जो रेड फॉक्स है ये किसी जान मोहम्मद के घर में गई थी जो कि एम्प्लॉय है वाइल्ड डिपार्टमेंट का, और ये उसकी फोटो है फॉक्स की, उसके घर के बाहर इसको क्लिक किया गया है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूज है लेकिन ये 20 दिसंबर की है। ठीक है, उस टाइम पे ये पेपर हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है पॉसिबल है कि नेक्स्ट एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, अगर किसी घर में कोई शेर आया या कुछ और आया तो वो भी पूछा जा सकता है। अब JKSSB का कोई भी भरोसा नहीं है, J&K के रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
among the following persons wrote the famous book named War and Peace? इसका करेक्ट ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का सिलेबस देखोगे, वहां पे आपको बुक्स एंड ऑथर्स सिलेबस में नहीं है। फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज ये जो बुक है ये थोड़ी सी न्यूज में रही है। ये बुक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन न्यूज में रहने के कारण इसको पूछा गया। हालांकि ज्यादा न्यूज में नहीं रही थी, लेकिन अब ये फेमस है तो थोड़ी सी भी न्यूज में रही तो जेकेएसएसबी ने ये पूछा। इसके रिलेटेड क्या न्यूज है उसको मैंने यहां पे थोड़ा डिस्कस किया है। कोई वरुण गोंजाल्विस है, उसको बंबई हाईकोर्ट में लिया गया, वहां पे चीफ जस्टिस ने इसको पूछा आपने इस बुक को अपने घर में क्यों रखा। ओके, देखो ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाई वुड यू कीप अ बुक अबाउट अ वॉर इन अनदर कंट्री एट योर होम, ये बंबई हाईकोर्ट के जो जज है उसने पूछा। तो सिर्फ इतना पूछने पे ये बुक थोड़ी न्यूज में रही है, दैट्स व्हाई इसको एग्जाम में पूछा गया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई फेमस चीज है, अगर वो थोड़ी सी भी न्यूज में है तो उसको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ जियारत बाबा हैदर ऋषि इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनंतनाग। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ डीएनए प्लाज्मिड बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन डिवेलप्ड इंडिजिनसली इन इंडिया। देखो कोविड 19 डिजीज के बारे में भी डिटेल में पूछा जाता है एंड वैक्सीन के बारे में भी पूछा जाता है, सो आपको ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, नाउ यहां पे मैंने डिफरेंट वैक्सीन जो इंडिया में काफी फेमस है उनके बारे में डिटेल लिखी है। पहला कोविशील्ड, ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, जो कॉमन कोल्ड वायरस है उनका वीकेंड वर्जन है, नोन एज एडिनो वायरस। ठीक है, ये पता होना चाहिए, कोविशील्ड एंड एडिनो वायरस या कॉमन कोल्ड, इसके साथ आप लिंक कर सकते हो। फिर कोवैक्सीन, ये क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या है? कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ किल्ड कोरोना वायरस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि किल्ड कोरोना वायरस से कौन सी वैक्सीन बनी है, तो कोवैक्सीन। फिर कॉमन कोल्ड वायरस से कौन सी बनी है? कोविशील्ड। देन स्पुतनिक वी, क्योंकि ये भी इंडिया में है, स्पुतनिक वी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एडिनो वायरसेस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। जो हमारे पास कोविशील्ड है इसमें सिर्फ एडिनो वायरस है सिंगल, फिर स्पुतनिक वी ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एडिनो वायरसेस है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, स्पुतनिक वी इसका ओरिजिन कौन सी कंट्री से है? फिर हमारे पास है मॉडर्ना, मॉडर्ना इज अ एमआरएनए बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन जो जायको डी है, दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन। ओके, प्रीवियस पेपर में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कौन सी वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा फॉर द एज्ड 12 इयर्स एंड मोर, तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या था? जायको डी। तो यहां पे भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। एक बार मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगती है ये सब कलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड्स ऑफ स्पोर्ट, तो ये आपको करना है अगर ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड काफी न्यूज में रहा था, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। हु हैज वन द बिड टू एक्वायर नेशनल कैरियर एयर इंडिया। हाँ, इतना मैं बताता हूं, इसकी जो बिड लगी थी वो लगी थी 18,000 करोड़। ओके, और जो एयर इंडिया है ये एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1932। ओके, सो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवानी इज फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नाउ ये जो लवानी डांस है ये काफी ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कहां से आया है? ये कल्चर से आया है,
और यहां पे आपको जो भी चीज फेमस है या न्यूज में रही है उसी को आपको करना है, ज्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930-31? तो कहां पर हुई थी? लंदन में। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अब ये जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी न्यूज में रहा था, बिकॉज ऑन 24 सितंबर जो टेहरी डैम का रिजर्वायर है वो फर्स्ट टाइम फिल किया गया था अप टू द हाइट ऑफ 830 मीटर्स। इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका करेक्ट ऑप्शन है भागीरथी रिवर। ओके, नाउ इस डैम के बारे में यहां पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 32 और 33, इनको मैंने बोल्ड किया है बिकॉज अगर आपके सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फेमस प्राइज है तभी आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिविजन इन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द पेनिनसुला प्लेटू। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ? बाजरा किसकी एग्जाम्पल है? मिलेट्स। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मिलेट्स में कौन सी स्टेट टॉप पे है? ओके, यानी प्रोडक्शन में टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड कन्वर्सिंग अ डिसकॉन्टेंटेड जमींदार ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट इन 1857? इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहार। यह भी रिलेटेड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कम इनटू फोर्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको आप जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2016। फिर यह भी आप खुद करिएगा बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्युनिकेबल डिजीज अमंग दिस इज कॉज्ड बाय वायरस? ये सारी हमारे पास क्या है? कॉम्युनिकेबल डिजीज है। इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से फैलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो ए ऑप्शन में है काला अजहर, दिस इज वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ लीशमैनियासिस डिजीज व्हिच इज कॉल्ड विजरल। ओके, विजरल आर काला अजहर एंड दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नाला या नाला सिंध इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच रिवर? तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जहलम रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय कंट्री माय लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय? जो माय कंट्री माय लाइफ है ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है किसकी? एलके एडवानी। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है जो फेमस पर्सनालिटीज है वहां से लिया गया है, सो इसलिए मैंने जितनी भी जो फेमस ऑटोबायोग्राफीज हैं उनको मैंने यहां पे लिखा है, इनको आप पढ़ सकते हो, हो सकता है इन्हीं में से आपके एग्जामिनेशन में कोई और पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? यानी कि सिंपल आपने कहना है 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाई पर्सन चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी 107। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ मीडो इन खागा तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तोशा मैदान। और इसका क्या मतलब है? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम तोशा मैदान विच लिटरली मीन्स किंग ऑफ मीडोज। ओके, बहुत ही फेमस मीडो है इसीलिए इसको पूछा गया। सो सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। और यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, कौन कौन सा इस तोषा मैदान यहां पे गया है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एनिमल कौन सा है, इसका आंसर भी मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी है इसलिए यहां पे नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दैट पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक फाइन टी मसलूम एंड गुड हॉर्सेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है हेयोन संग। अब ये हेयोन संग ये कौन था, इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। ये आपके सामने बसोली आर्ट पेंटिंग्स है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है और ये कहां पे है, दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर अ डैश डैश टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। एंड एक और चीज आपके लिए है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किसके रिलेटेड है एंड 74th किसके रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NH 501। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वीडियो जिसने देखी है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू एंड श्रीनगर को कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है। ठीक है, तो वो है NH 44। ये तो हमें सबको पता है। एंड उसी वीडियो में मैंने एक वो पीडीएफ के साथ मैंने वो एक पिक अटैच की है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी नेशनल हाईवेज है उनके जो न्यू नेम्स है वहां पे मैंने दिए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी।